दोस्तों एक और मुकाबले में हमें जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मुकाबले में जीटी को आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, जहां स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर 2 रन लेने में सफल रहे। अब 5 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, जहां दूसरी गेंद पर हार्दिक ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद डॉट रही। अब 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, तेवतिया स्ट्राइक पर थे और चौथी गेंद पर तेवतिया ने शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। 2 गेंदें और 9 रन चाहिए थे। पांचवी गेंद पर राशिद खान ने 2 रन ले लिए। अब 1 गेंद पर 7 रन चाहिए थे और आखिरी गेंद पर राशिद खान सिर्फ 1 रन ले पाए और जीटी मैच हार गई। दोस्तों आपकी राय में गुजरात टाइटंस की हार का कारण क्या था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।